Let us start the Chinese remainder theorem. तो पहले मैं इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट देता हूं. आफ्टर दैट आई विल सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. मान लीजिए आपके पास x इज कॉन्ग्रुएंट टू ए वन मोडुलो एम वन, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टू मोडुलो एम टू एंड एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एन मोडुलो एम एन. ये कुछ कॉन्ग्रुएंसीज हैं. एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसीज हैं. ये दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं. न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो दो कॉन्ग्रुएंसी या तीन कॉन्ग्रुएंसीज का यूजुअली एग्जाम में आ सकता है. तो हमें इन कॉन्ग्रुएंसीज का कोई कॉमन सोल्यूशन निकालना है. हमें एक ऐसा एक्स निकालना है जो इन सारी कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे. इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको सेटिस्फाई करे. तो सबसे पहली बात है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. अच्छा, एक्स का कॉफिशियंट यहां पर हमने वन लिया हुआ है. अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आए जिसमें एक्स का कॉफिशियंट वन नहीं है, तो जैसा सोल्यूशन सिंगल लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना हमने सीखा था, उसका यूज करके हम एक्स के कॉफिशियंट को वन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड द सिंगल कॉन्ग्रुएंस मस्ट हैव ए सोल्यूशन. ऐसा नहीं है कि हमें कोई कॉन्ग्रुएंस यू लिख के दे दी जाए कि 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडुलो करके 4 लिख दिया जाए, दिस इज पार्ट ऑफ वन कॉन्ग्रुएंस. इसका तो खुद का ही सोल्यूशन नहीं है. 2 और 4 का जीसीडी 2 आएगा, 2 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है. तो दिस कैन नॉट बी वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसीज इन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. बट मैं यहां पर 5 कर लूं, ये हो सकता है कि ये दे दिया जाए इनमें से किसी एक को. तो हम जो मेथड अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, उस मेथड को लगाने के लिए जो एक्स का कॉफिशियंट है उसको हम यूनिटी बनाएंगे, तब मेथड लगाएंगे. तो वो इजीली बनाया जा सकता है. बट जो सेपरेट ये कॉन्ग्रुएंसीज हैं, ऑल दीज कॉन्ग्रुएंसीज मस्ट बी सॉल्वेबल. अच्छा, एक्स का कॉफिशियंट वन लेने के बाद फिर हमें कोई डाउट नहीं है. एक्स का कॉफिशियंट वन है, एम वन है, वन और एम वन का जीसीडी तो वन आएगा, एंड वन डिवाइड्स एवरी इंटीजर. तो एक्स का कॉफिशियंट हमने वन लिया. अब क्या है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि इन कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन है. तो वो कंडीशन ये है, जीसीडी ऑफ एम आई कॉमा एम जे मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे. ये कंडीशन है. इनमें से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एम आईज अगर आपने लिए, एम आई और एम जे ले लिया मान ले, तो उनका जीसीडी 1 आना चाहिए. मैं कह सकता हूं दे आर रिलेटिवली कोप्राइम, या फिर दे आर कोप्राइम इन पेयर्स. पेयर्स में अगर ये नंबर आपके कोप्राइम हैं, तो इन सारी कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, गारंटीड एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, मान लो एक्स नॉट एक कॉमन सोल्यूशन है. एक्स नॉट इज ए कॉमन सोल्यूशन. आफ्टर दैट इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो. मान लो वो एम आ गया, एम वन इंटू एम टू इंटू एम एन, सारे मोडुलाई का मैंने प्रोडक्ट लिया, उसको एम बोल दिया. तो एनी अदर सोल्यूशन एक्स नॉट के अलावा कोई और सोल्यूशन होगा तो वो एक्स नॉट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा मोडुलो एम. मतलब अगर कोई नंबर एक्स वन इस तरह से आया, एक्स वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मोडुलो एम, ऐसे अगर लिखा हुआ है तो एक्स वन भी एक सोल्यूशन बनेगा. तो एक सोल्यूशन निकलने के बाद फिर हम यहां से सारे सोल्यूशन को निकाल सकते हैं. जो वो मोडुलो होंगे वो इस एम से होंगे, एंड दिस एम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द मोडुलाई. जो ये सारे मोडुलाई हैं एम वन एम टू एम एन जो लिखे हुए हैं, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एम है. तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की कंडीशन है कि एम आई और एम जे का जीसीडी अगर वन आएगा तो सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, अगर ये जीसीडी वन नहीं आएगा तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी. मैं ऐसा भी एक क्वेश्चन टेकअप करूंगा. सीएसआईआर नेट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है, उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा. बट ये कंडीशन बोल रही है कि इफ जीसीडी ऑफ एम आई एंड एम जे इज इक्वल टू 1, देन सर्टनली दीज कॉन्ग्रुएंसीज विल हैव ए साइमल्टेनियस सोल्यूशन. एक ऐसा एक्स पक्का एग्जिस्ट करेगा जो वो इन सबको सेटिस्फाई करेगा. ये तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट हुई. आफ्टर द स्टेटमेंट, फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ए मेथड हैज बीन डेवलप्ड. आई एम नॉट डूइंग द प्रूफ हियर, आई एम गिविंग दैट मेथड.
कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसीज दी हुई हैं और MI और MJ का GCD अगर आपके पास 1 है, तो उन सारी कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व करने का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, वो क्या बनता है। तो पहले मैं उस मेथड को एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट मेथड आई विल सॉल्व ए क्वेश्चन। तो आपके पास ये कॉन्ग्रुएंसीज हैं, लेट मी अज्यूम के इन सब का MI और MJ का, किन्हीं भी दो MI और MJ का GCD अगर आप लेंगे तो वो 1 है। X के कॉफिशेंट्स यूनिटी है, किसी क्वेश्चन में अगर X के कॉफिशेंट्स यूनिटी नहीं है तो हम उनको बनाएंगे, और GCD MI और MJ का अगर लें तो वो 1 है। आई नॉट इक फॉर ऑल, आई नॉट इक्वल टू J। व्हाट इज द मेथड? मेथड में पहला स्टेप आप M बनाइए, M1 इंटू M2 इंटू MN का प्रोडक्ट करके M बनाइए। फिर आप एक नंबर B1 बनाइए, M अपॉन M1, B2 बनाइए, M अपॉन M2, और एक नंबर BN कंस्ट्रक्ट कीजिए, M अपॉन MN, इस तरह से। ये पहला स्टेप। तो पहले स्टेप के अंदर हमें M इन सब का प्रोडक्ट, M1 M2 MN का, और फिर M अपॉन M1 करेंगे B1 आएगा, M अपॉन M2 करेंगे B2 आएगा, M अपॉन MN करेंगे तो आपका BN आएगा। आफ्टर दिस वी विल कंस्ट्रक्ट N कॉन्ग्रुवेंसीज, B1X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मोडुलो M1, ये हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। फिर B2X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मोडुलो M2, एंड लाइकवाइज BNX इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मोडुलो MN, ये कॉन्ग्रुवेंसीज हमने बनाई। अच्छा, ये वाली जो कॉन्ग्रुवेंस है इसका एक सोल्यूशन निकालिए, उसको नाम दीजिए X1। फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुवेंस, उसका नाम दीजिए X2। सिमिलरली फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुवेंस, उसका नाम दीजिए XN। ये कॉन्ग्रुवेंसीज हमें अपनी तरफ से बनानी है, B1 B2 BN हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करनी है। दिस इज द मेथड विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रूफ ऑफ द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, आफ्टर फाइंडिंग X1 X2 XN, वन कॉमन सोल्यूशन X0 विल बी गिवन बाई लाइक दिस, X0 विल बी B1 A1 X1 प्लस B2 A2 X2 प्लस BN AN XN। ये सोल्यूशन, एक कोई कॉमन सोल्यूशन जो मिलेगा वो यहां से मिलेगा, और उसके बाद जो ये X0 नंबर आ गया, इसको अगर हम M से, अगर हम इसमें M का कोई भी मल्टीपल, ये M है, M का कोई भी मल्टीपल से अगर हम इसको चेंज कर देंगे, M का कोई भी मल्टीपल हम इसमें ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो जो नया नंबर आएगा वो भी आपके पास इन कॉन्ग्रुवेंसीज का एक सोल्यूशन होगा। तो ये प्रोसीजर है। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोसीजर क्लियर होएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, M1 M2 MN आपके नंबर्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको M बोलिए, M अपॉन M1 B1, M अपॉन M2 B2, M अपॉन MN करेंगे तो वो BN आएगा। ये कॉन्ग्रुवेंसीज अपनी तरफ से बनाइए, B1X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मॉडुलो M1, B2X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मॉडुलो M2, एंड BNX इज कॉन्ग्रुवेंट टू 1 मॉडुलो M1। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्ग्रुवेंसीज, लेट दीज सॉल्यूशंस बी X1 X2 XN, एंड देन रिमेंबर दिस फार्मूला, X0 इज इक्वल टू B1 A1 X1 प्लस B2 A2 X2 प्लस BN AN XN। दिस X0 विल बी ए कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज कॉन्ग्रुवेंसीज। आफ्टर फाइंडिंग वन कॉमन सॉल्यूशन, ऑल अदर सॉल्यूशंस कैन बी फाइंड आउट इन दिस मैनर, X इज इक्वल टू X0 प्लस MK, वेयर K इज एन इंटीजर, एंड M इज दिस मॉडुलो M1 इंटू M2 इंटू MN। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मेथड है। अब मैं एक क्वेश्चन जरा टेकअप करूं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन मैंने एक लिया, X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 2 मॉडुलो 5, सेकेंड X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 3 मॉडुलो 7, एंड X इज कॉन्ग्रुवेंट टू 4 मॉडुलो 11। ये मैंने तीन कॉन्ग्रुवेंसीज ली और मुझे इन तीन कॉन्ग्रुवेंसीज का सोल्यूशन निकालना है। CSIR नेट का क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेट में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के मेथड को एक्सप्लेन करते हुए इन तीन कॉन्ग्रुवेंसीज का एक कॉमन सोल्यूशन निकालना चाहता हूं। हाँ जी,
कंपेरिजन अगर मैं इसमें करूं तो व्हाट आर माई वैल्यूज, व्हाट इज ए वन, ए वन इज टू, एम वन इज फाइव, देन व्हाट इज ए टू, ए टू इज थ्री दिस नंबर, एंड एम टू इज सेवन, देन दिस इज योर ए थ्री इज फोर, एंड एम थ्री इज योर इलेवन। अब मैं देख रहा हूं यहां पर जीसीडी एम वन एम टू का भी वन है, एम टू एम थ्री यानी सेवन इलेवन का भी वन है, और जीसीडी आपके पास फाइव और इलेवन का भी वन है। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इन कॉन्ग्रुएंसीज का एक कॉमन सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एक्स पक्का एग्जिस्ट करेगा, एक नहीं इनफैक्ट इनफाइनाइट करेंगे, बट एक जब मिल जाएगा तो उसको फिर हम m इंटू के उसके अंदर ऐड करके m का कोई भी मल्टीपल ऐड करके तब हम बाकी सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ऐसा x पक्का एग्जिस्ट करता है जो इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जीसीडी 5 7 का 1 है, 7 11 का भी 1 है और 5 और 11 का भी 1 है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लेट मी टेक m, m क्या होता है, m होता है m1 into m2 into m3, this is 5 into 7 into 11, ये 75 and 35, 11 5 is a 55, 11 3 is a 33 and 5 385, ये आपके पास 385 आ गया। अब आप बनाइए b1, b1 आएगा m upon m1, m upon m1 means this upon 5, That is 77. B2 आएगा m upon m2, तो ये बीच वाला हट जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा 55. m upon m2 is 55. और B3 आपके पास आएगा, B3 आएगा m upon m3. तो m upon m3 upon में this करेंगे, तो this is your 35. ये आपके numbers हैं B1, B2, B3. अब जैसा कि मैंने आपको method में बताया था that we will construct three congruences, और हमारा जो x नॉट आएगा, जो कॉमन सोल्यूशन हमारा आने वाला है, वो कॉमन सोल्यूशन हमारा आएगा x नॉट इज इक्वल टू b1 a1 x1 प्लस b2 a2 x2 प्लस b3 a3 x3, ये हमारा कॉमन सोल्यूशन आने वाला है। मैंने इसको पहले ही लिख दिया ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और क्या क्या नहीं है। B1 A1 अवेलेबल है, दिस इज A1, दिस इज B1, B2 A2, B3 A3, ये X1 X2 X3 हमें और चाहिए। अगर हम X1 X2 X3 और निकाल लाएंगे तो हम इसमें पुट करेंगे, वी विल गेट वन सोल्यूशन। आफ्टर फाइंडिंग वन सोल्यूशन वी विल गेट, वी कैन ऑब्टेन ऑल द सोल्यूशंस। व्हाट वाज X1? इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया X1 क्या था, हम एक कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे, B1X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो M1, ये कॉन्ग्रुएंस B1X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो M1, इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन को X1 बोलेंगे। तो मैं लिख दूं B1 की वैल्यू, ये रहा आपका B1 है, तो B1 इज योर मैं यहां लिखूं 77X इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो M1, व्हाट इज माय M1, M1 इज माय 5, तो मुझे इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि X का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 5 से ज्यादा है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले इस कॉफिशेंट को 5 से रिड्यूस कर लीजिए, इसको रिड्यूस जब आप करेंगे तो फिर आपका ये कॉफिशेंट स्मॉल हो जाएगा। 77 को 5 से डिवाइड किया, 75 पे जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो मैंने इसे 77 को मिटा के यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड नाउ दिस कॉन्ग्रुएंस कैन ईजिली बी सॉल्व। आपने यहाँ 0 लिखा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मोडुलो 5, एड करेंगे प्लस, ये आपका 2x आया, 5 का मल्टीपल 5 यहाँ पर काम कर जाएगा, दिस इज योर 6, मोडुलो करके आपके पास ये 5 आ गया, 2 को कैंसिल कर देंगे तो x1 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ गया x1 इज इक्वल टू 3, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 5। तो ये जो नंबर है ये आपका x1 है, दिस नंबर इज योर x1। अब मैं सेकेंड कॉन्ग्रुएंस ले लूँ, सेकेंड कॉन्ग्रुएंस b2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m1, अगर मैं ये 1 मोडुलो m2 सॉरी, ये व्हाट इज b2, b2 इज 55, 55x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m2, m2 इज माय 7 लाइक दिस। अब आप इस 55 को 7 से रिड्यूस कर दीजिए, 7 7 जा 49,
सिक्स आपका बचा। अच्छा आप एक आगे भी चला सकते हैं, 7 8 56, आप 55 में से 56 भी लेस कर सकते हैं, तो वो जो माइनस एक्स आएगा वो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको 56 पे चला दिया तो ये बन गया माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 7, और अब दोनों साइड से माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोडुलो 7, ये माइनस 1 भी काम करेगा, ये आपका x2 आ गया, दिस इज योर x2, ये x2 है, यहाँ पर ये आपके पास x1 था, ये x1 था। अच्छा अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 49 6x लिखा होता तो उसका जो सोल्यूशन है वो 6 आ जाता, x2 की वैल्यू उसकी 6 आ जाती, फिर यहाँ पर वो 6 पुट करता, तो 6 पुट करने से क्या होता है, कोई बच्चा बोलेगा सर अलग अलग आंसर्स आएंगे, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, जिसने x2 को माइनस 1 पुट किया उसका एक सोल्यूशन आएगा, जिसने x2 की वैल्यू अगर 6 ले ली तो उसका दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन एक बार एक सोल्यूशन हमें मिल जाए तो उसके बाद मुडलो से हम ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके सारे सोल्यूशंस को ऑब्टेन कर लेंगे, तो इट हार्डली मैटर्स कि आपने यहां पर x2 को माइनस 1 लिया है या आपने 6 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दूसरा सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ओके अच्छा छोटा नंबर अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा, x2 को अगर मुझसे कोई एडवाइस ले कि आप माइनस 1 लेंगे या 6 लेंगे तो मैं माइनस 1 को प्रेफर करूंगा, माइनस 1 इज ए स्मॉल नंबर, माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा मेरे लिए। देन बी थ्री एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम थ्री, वॉट इज बी थ्री, 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो एम थ्री इज माई 11, लाइक दिस। तो इस 35 को आप 11 से रिड्यूस करिए, पहले रिड्यूस करिए बाद में सॉल्व करना है इसको, लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज में बताया था मैंने, तो 11 थ्री जा 33, 2 बचा, 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 11, और अब जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोडुलो 11, और आप इन दोनों को अगर ऐड करेंगे यू विल ऑब्टेन 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 11, एंड नाउ यू कैन कैंसिल आउट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, यहाँ पर ये 6 आ गया, तो ये 6 जो आ गया ये आपका x3 है, दिस इज योर x3। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर x2 की वैल्यू जैसे माइनस 1 मैंने ली है, तो मैं इसको 6 से भी कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी x2 को हम माइनस 1 लेके करेंगे या 6 से लेके करेंगे, तो आई विल शो यू कि क्या फर्क सोल्यूशन पर पड़ेगा। चलिए पहले मैं माइनस 1 से इसको करता हूँ, तो ऑल द वैल्यूज आर अवेलेबल, x1 इज 3, x2 इज माइनस 1, x3 इज 6, b1 a1 b2 a2 b3 a3 आर ऑलरेडी अवेलेबल, नो जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस बॉक्स एंड यू विल गेट वन कॉमन सोल्यूशन। तो मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करूँ, ओके वी हैव ऑब्टेन x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x3 इज इक्वल टू 6। इफ आई पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन आई विल ऑब्टेन x0 इज इक्वल टू b1 इज माई 77, a1 इज 2 एंड x1 इज 3 प्लस वट इज b2, b2 इज 55, a2 इज 3 एंड x2 इज योर माइनस 1 प्लस वट इज b3, इट इज 35, a3 इज माई 4 एंड x3 इज 6। तो मैं इनको सॉल्व करूँ, अगर 6 7 6 42, 2 7 6 42 और 4 46 462 माइनस 15 165 प्लस 35 × 24, 24 × 5 120, 0 12 24 72 और 12 84, 840 प्लस 840 एंड दिस इज 462, 2 6 और 4 10, 8 4 12 और 1 1302 में से 165, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 6 गया 3 और ये आ गया आपका 1137। तो दिस इज योर 1137 इज द आंसर, ये एक आंसर आपका आया 1137। अच्छा हम इस 1137 को वेरीफाई कर सकते हैं, 1137 को अगर मैं इन तीन कॉन्ग्रुएंसीज के अंदर पुट करूं, और ये करना चाहिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, जब कभी भी आप एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो
इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, जो आपने कॉमन सोल्यूशन निकाला है, आगे बढ़ने से पहले उस कॉमन सोल्यूशन को आप गिवन कॉन्ग्रुएंसीज के अंदर पुट करके सेटिस्फाई कर लीजिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1137 है, एक्स आपका आ गया 1137, इसको 1137, इसे मैं यहाँ पर पुट करूँ 1137 में तो 2 जाएगा, 1135 आएगा और 5 से भाग हो जाएगा। अगर आप इसमें से 3 लेस करेंगे इट विल बी 1134 एंड इट इज डिविजिबल बाई 7, 7 1 7 देन 43, 7 6 42 एंड देन 7 2 14। सिमिलरली अगर आप इसमें से 4 लेस करेंगे यू विल गेट 1133 एंड इट इज क्लियरली डिविजिबल बाई 11। तो इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो करेक्ट है। 1137 इज वन सोल्यूशन, इस कॉन्ग्रुएंस का एक सोल्यूशन 1137 आया है। नाउ व्हाट इज माय एम, माय एम इज 385। अब इस एक सोल्यूशन में अगर मैं 385 को जोड़ता चला जाऊं या इसमें से 385 को आप घटाते चले जाएंगे तो वो जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स इन तीन कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे, ये आपके पास है। तो अगर मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है तो 1137 इज वन सोल्यूशन एंड एम इज माई 385। तो अगर मैं अब इसको यहां से मिटा के जनरल सोल्यूशन लिखना चाहूं तो आई कैन राइट दैट जनरल सोल्यूशन इन दिस मैनर। यस, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू वन पर्टिकुलर सोल्यूशन इज 1137 प्लस 385 k, वेयर k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। इस टाइप से जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स इन तीन कॉन्ग्रुएंसीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, ये चेन अगर मैं बनाऊं, आप 1137 में 385 ऐड करते चले जाइए या इसमें से आप 385 को घटाते चले जाइए, वो जो पूरी चेन बन के आएगी, दैट कंप्लीट चेन विल, एवरी इंटीजर इन दैट चेन विल बी ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्री कॉन्ग्रुएंसेस। ओके, अगर मैं वो चेन बनाऊं, व्हाट इज दैट चेन, दैट चेन इज 1137 इज वन सॉल्यूशन, आप इसमें 385 ऐड करिए, 7 और 5 12, 8 और 3 11 और 1 12 2, 3 और 1 4 5 और ये आपके पास आ गया 1 1522। आप इसमें से 385 घटा दीजिए, ये आया 2 13 में से 8 गए 5, ये 752 752, फिर से 385 घटा दीजिए तो ये आ गया आपके पास 367, लाइक दिस। आप इसमें से फिर से 385 घटा दीजिए, माइनस का 18, तो ये आ गया आपके पास -18 एंड लाइक दिस, x इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास सॉल्यूशन की एक कंप्लीट चेन आ गई है, डॉट 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 आप इधर भी लगा सकते हैं, ऑल दीज सॉल्यूशंस डिफर बाय 385, 385 से ये सारे सॉल्यूशन आपके डिफर कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो आप इस 1137 को उठा के कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, आप यहां पर 752, 367 या 1522 आप या -18 कोई भी एक नंबर यहां पर रख सकते हैं, क्योंकि चेन तो सेम जनरेट होएगी। जैसे इस वाले में के को जब आप 0 पुट करेंगे तो 1137 आएगा, अगर आपने 1137 की जगह 752 रख दिया तो के को 1 पुट करने से 1137 आ जाएगा। तो इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर काम करेगा, बिकॉज दिस बॉक्स विल जनरेट द सेम चेन, सेम चेन को ये बॉक्स जनरेट आपके पास करेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो ये तो मैंने मेथड आपको बताया कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, CSIR नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट पे आया था, देखिए CSIR नेट के अंदर ये तो बहुत ही रेयर पूछा जाएगा कि आपको वो कॉन्ग्रुएंसीज देके सॉल्यूशन पूछेगा, क्योंकि सॉल्यूशन अगर पूछ लिया तो जो एस्पायरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो उसको डायरेक्टली पुट करके देख सकता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बात पूछेगा ऐसी कि आपको वो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको इस जनरल सॉल्यूशन तक, इस चेन तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए उसने ये पूछ लिया कि भैया ये तीन कॉन्ग्रुएंसीज हैं, इनके लिए आप ये बताइए
कि 100 से लेके 1000 तक कितने सॉल्यूशन है। तो 100 से लेके 1000 तक अगर हम सॉल्यूशन देखें, एक तो ये, एक ये, ये तो फिर 1137 हो गया, ये 1000 से बड़ा हो गया। तो द टू सॉल्यूशंस, मतलब ये पूछा उसने 100 से लेके और 1000 तक कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो दोनों, जो इन कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हमें इस चेन तक आना पड़ेगा। ये चेन जब हम बना लेंगे तभी हम आंसर दे पाएंगे कि इस रेंज में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो इस कॉन्ग्रुएंस को, इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये अच्छा, नेट में क्या पूछा था, मैं उस बात को लिखता हूं जरा एक बार। ये चेन यहां पर बनी हुई है, दीज आर द थ्री कॉन्ग्रुएंसीज, और उसने जो पूछा था इन कॉन्ग्रुएंसीज के बारे में, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके पास दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, पार्ट सी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। और कैसे पूछा गया था कि इन कॉन्ग्रुएंसीज के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन्स एन इंटीजर, कंटेन्स एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दीज थ्री कॉन्ग्रुएंसीज, सेटिस्फाइंग दीज थ्री कॉन्ग्रुएंसीज। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं उनको, मैं वो इंटरवल लिख रहा हूं। पहला 401, 600, दूसरा 601 से 800, तीसरा 801 से 1000, एंड ऑप्शन फोर्थ 1001 से 1200। ये आपका ऑप्शन था सेटिस्फाइंग में, सेटिस्फाइंग दीज थ्री कॉन्ग्रुएंसेस, ये लिखा है। तो दिसंबर 2015 में ये क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर इसके ठीक हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स कंटेन्स एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दीज थ्री कॉन्ग्रुएंसेस। तो ये हमारी, देखो ये चेन है, हम इस चेन के अंदर से देखेंगे कि कौन कौन से इंटरवल में सोल्यूशन है। जैसे पहला है 401 से 600, तो यहां पर 401 और 600 के बीच में कोई नहीं है, 367 है, उसके बाद सीधा 752 है, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में आपके पास 385 का गैप है। तो ये आंसर आपका गलत हुआ, ऐसा कोई इंटीजर नहीं है इस चेन में जो 401 और 600 के इंटरवल में हो और इन तीनों को सेटिस्फाई करता हो। फिर सेकंड है 601 से 800, यस ये रहा 601 से 800 के बीच में ये नंबर है, 752 इस इंटरवल में लाई करता है, और ये उन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन 801 से 1000, तो इस चेन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 801 से लेके 1000 के इंटरवल के अंदर लाई करे, तो ये गलत आंसर हो गया। एंड 1001 से 1200, यस ये 1137 1137 लाइज इन दिस इंटरवल, एंड दिस इज ए कॉमन सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस थ्री कॉन्ग्रुएंसेज, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर। तो इट्स आंसर आर 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप ए क्वेश्चन, CSIR नेट दिसंबर 2013, पार्ट बी का ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट पर बेस्ड है। थोड़ा नोटेशन दिया है उसने, क्या नोटेशन? फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, लेट एन ए बी, एन के सफिक्स में ए और बी लिखा है उसने, जिन दो इंटीजर्स पर काम करेगा वो दोनों एन के सफिक्स पर है। लेट एन ए बी डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स लेस देन 1000, यानी कि मैं कह सकता हूं एक से लेके 1000 तक ये रेंज है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1000 से लेस है। तो आई कैन से 1 less than equal to x less than equal to 999, लाइक दिस, जो इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो 27 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 37। तो दो कॉन्ग्रुएंसीज हैं, एक से ज्यादा कॉन्ग्रुएंसीज आएगी तो हमारा जो फोकस है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर जाना चाहिए। दिस इज मॉडुलो 27, दिस इज मॉडुलो 37, वी कैन डायरेक्टली सी 27 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज 37 इज ए प्राइम नंबर, तो दीज आर को प्राइम नंबर्स। ओके, जीसीडी ऑफ 27 एंड 37 इज इक्वल टू 1। तो एक बात तो क्लियर कट है,
तय है कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज का कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो पक्का करेगा, क्योंकि 27 और 37 का जीसीडी 1 है। अब वो जो कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसके बाद जो अगला सॉल्यूशन है या उससे पहले वाला सॉल्यूशन है उसमें कितना गैप होगा, तो वी नो गैप कितना होता है उसमें, m1 into m2, here m1 is your 27, m2 is your 37, मैं दोनों का प्रोडक्ट अगर करूं, m1 into m2, this is 27 into 37, it comes out to be 999, मतलब एक सॉल्यूशन के बाद जो अगला सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो 999 ऐड करने के बाद मिलेगा। अब कोई रेंज अगर उसने आपको दे दी, अब ये रेंज दिए देखो 1 से लेके 999 तक, तो कह रहा है कि इसमें जितने सॉल्यूशन हैं, इस रेंज में जितने सॉल्यूशन है उन सॉल्यूशंस की जो संख्या है, जो नंबर है, वो एन ए बी है, ए और बी ये वाले आपके यूज हो रहे हैं, तो ए और बी तो कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स, 27 एंड 37 आर कोप्राइम, यू टेक एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, सर्टनली देयर विल बी ए कॉमन सॉल्यूशन, एंड आफ्टर फाइंडिंग वन कॉमन सॉल्यूशन द नेक्स्ट सॉल्यूशन और द प्रीवियस सॉल्यूशन will be apart 999 distance, after adding 999 you will get another solution. तो अब इसमें क्या है, इसमें ये जो range है 1 से लेके 999 तक एक solution पक्का exist करेगा और एक ही करेगा। मान लो इन congruences का किसी particular a और b के लिए solution आ गया, मान लीजिए आपका 10, तो जो अगला solution आएगा वो 999 add करने के बाद आएगा, वो इस range से बाहर निकल जाएगा। इस range के अंदर एक सोल्यूशन पक्का आएगा, हर ए और बी के लिए एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ये रेंज अगर 999 से कम होती तो फिर हमें चेक करना पड़ता कि उस रेंज में सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 401 से 600, 601 से 800, वो 200 का इंटरवल था, जबकि एम वहां पर 385 था, लेकिन 999 या उससे बड़ी कोई रेंज दे दी तो ये बात तो गारंटी की है कि उसमें एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और ये रेंज एग्जैक्टली 999 की है। After finding one solution, another solution will be found out by adding 999. तो क्या आंसर होना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या बोलता है? There exists a comma b such that NAB is equal to 0. गलत, NAB 0 नहीं आएगा, exactly 1 आएगा. For all a comma b, NAB is equal to 1. This is true. SEQ का question है, part b का एक ही आंसर होना चाहिए. But let me explain the other two options also. For all a and b, NAB is greater than 1. ये गलत है, ये तो second वाले से ही कट गया. फोर्थ में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एन ए बी इज इक्वल टू 1 एंड देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एन ए बी इज इक्वल टू 2. नो, ऐसा कोई ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए कि एन ए बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। एन ए बी की वैल्यू तो फॉर ऑल ए एंड बी 1 ही आएगी, एग्जैक्टली 1 आएगी। इन दिस रेंज देयर विल बी एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर विच विल सेटिस्फाई दीज टू कॉन्ग्रुएंसीज साइमल्टेनियसली। देयरफॉर द सेकंड आंसर मस्ट बी करेक्ट, that for all a and b, NAB must be equal to 1. This is also wrong, and second is the correct answer.